हेलो एवरीवन, वेलकम टू होल्डीज टेस्टफुल किचन। आपने ये सुंदर सी थाली मेरी पिछली वीडियो में देखी है जिसमें ये चूरमा की रेसिपी है, और उसी चूरमा की रेसिपी को आज मैं शेयर कर रही हूँ। ये लिया है मैंने 2 कप आटा, इसमें डाला है 2.5 टेबलस्पून घी, देसी घी, और इसको अच्छे से हम आपस में मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। दाल बाटी की रेसिपी आपने देखी होगी, अब आप चूरमे की देखिए और बनाइए, खाइए और खिलाइए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट आटा लगाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। अगर आप के कुछ सजेशन हैं आप उसमें लिखेंगे तो मैं उसको फॉलो करूंगी। आप कोई नई रेसिपी चाहते हैं तो वो भी आप लिखिएगा। इस तरह से हम थोड़ी थोड़े पानी डालते हुए इस आटे को लगाएंगे। बीच में हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसको इस तरह से चिकना कर लिया है, और लेकिन टाइट है, आप देख सकते हैं डो जो है वो टाइट है। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे, और टोटल आटे में से हमने ये 5 लोइयां तोड़ी हैं, 5 मोटी मोटी लोइयां हैं, यानी 5 रोटी बनेंगी। मैं ज़्यादा चूरमा बना रही हूँ, आप कम बना सकते हैं। ऐसे हम गोल करेंगे इसको, सूखा आटा लगाएंगे, बेलेंगे, और बेलने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे घी चम्मच से, ताकि जब वो अच्छे से फूले अंदर से भी सिक जाए अच्छे से। थोड़ी मोटी ही रोटी ये बनाएंगे हम, इसको फोल्ड करेंगे ऐसे, आप देख रहे हैं ना, ऐसे फोल्ड करेंगे, गोल करेंगे और इसको सील कर देंगे। लोई बना के इसकी फिर से रोटी बेलेंगे। ये देखिए आसानी से बेल रही है, क्योंकि आटा जो है वो बहुत पतला नहीं है। आप चाहें तो सूखा आटा लगा सकते हैं, नहीं तो आप घी से भी ऐसे बना सकते हैं। और हमने तवा गरम होना पहले से रख दिया है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना कितनी मोटी है रोटी, इतनी मोटी हमें ये रोटी रखनी है। ये देखिए तवे पर हमने इसको डाल दिया है रोटी को, और इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए, बीच में से भी किनारों से भी बहुत अच्छे से सिक जाए। तो इसकी हम वेट करते हैं, और तब तक हम बनाते हैं दूसरी रोटी। ये देखिए दूसरी रोटी में भी सेम हम घी लगा रहे हैं, मैं केवल आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो एक और आपको बता देती हूँ कैसे इसको घी लगा के रोल करना है। बहुत आसान है, बस सेकने का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि पतली रोटी बेलना मुश्किल है, मोटी रोटी बेलना मुश्किल नहीं है। ऐसे हम इसको फिर से सील कर देंगे। अब देखिए हाथ से दबा देंगे लोई को, और फिर इसको गोल करते हुए बेलेंगे। देखिए सूखा आटा लगा लेंगे और इसको बेलन की सहायता से बढ़ाएंगे, बेलेंगे, और ये रोटी आपकी बनकर तैयार है। थोड़ा बहुत टूटता है तो आप उसको हाथ से ऐसे चिपका लीजिए। और ये दूसरी रोटी हम सेकेंगे, इसको धीमी आंच पर सेकना है हमें। और दूसरी रोटी को भी हमने तवे पर सेक लिया है, उलट पलट के सेकना है इसको धीमी आंच पे। और ये देखिए अब हम तवे से उतार कर इसको सेक रहे हैं, और आप इसके सेकने को भी देखिए चारों तरफ से पलट पलट के हमें सेकना है, क्योंकि अगर किनारे कच्चे रह गए तो आपका वो चूरमा जो है ना वो चिपका चिपका बनेगा। तो आप रोटी को ऐसे साइडों से किनारे से देखिए, आप चारों तरफ से देख रहे हैं ना ब्राउन होना शुरू हो गया है, इस तरह से सेकना है। तो पेशेंस और ध्यान से, ये देखिए रोटी खड़ी करके भी सेकी है हमने, तो इसको अलग कर लेंगे। और ये देखिए ये 2 रोटी हैं, और दोनों रोटी का ये ट्रिक देखिए, गरम रोटी है, थोड़ी मोटी है, चिमटे की सहायता से कितने अच्छे से हम इसमें ऐसे कर पा रहे हैं। यानी अगर आप हाथ से करेंगे तो नहीं हो पाएगा,
और चिमटे की सहायता से गरम भी नहीं लग रहा है पकड़ के एक तरफ से, और फटाफट फटाफट आप ऐसे कर दीजिए। इसमें जब हम घी डालेंगे तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। तो कितना अच्छा आइडिया है एक दूसरी रोटी पे रखकर इसको करने का। अब हम घी लेंगे इसमें और अच्छे से इसमें घी डाल देंगे। दोनों रोटी पर घी लगा लिया है हमने ऑलरेडी, घी लग चुका है। अब हम इसको मिक्सी में डाल रहे हैं और ये हमने ठंडा करने के बाद मिक्सी में डाला है। आप देखिए कितनी क्रिस्पी है ठंडी होने के बाद भी, आराम से भुरभुरी है। आप जब अपनी रोटी घर में बनाते हैं तो ऐसे नहीं टूटती है ठंडी होने के बाद। इसमें मोयन डला है और इसको क्रिस्पी सेका गया है, इसलिए ये ऐसी बनी है। तो अब इसको ठंडा होने के बाद हमने मिक्सी में पीस लिया है। हम आपको दिखा देते हैं कैसा पीसा है, ये देखिए इस टाइप से दरदरा है ना, ये राजस्थान का चूरमा। अब हमने इसके लिए लिया है 1 कप देसी बूरा, मैंने पतंजलि का यूज किया है, आप कोई भी कर सकते हैं, बादाम है, किशमिश है। और ये देखिए मैं आपको यहाँ कप से क्यों दिखा रही हूँ कि वो 5 रोटी का था तो मैंने कम लिया है, बट मेजर करके आप देख सकते हैं कम रोटी का पहले आपको दिखा रही हूँ कि मैंने 4 कप लिया है। 4 कप ये जब पिसने के बाद हुआ है तो उसमें आपको मीठा मिलाने में और ये एक अंदाज़ा हो जाएगा। ये हमने 4 कप ले लिया है और उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून इसमें घी डाला है। और इसमें हम ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये लिए हैं मैंने 10 से 15 बादाम और 10 से 15 ही किशमिश है। ये कम ज़्यादा आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। इनको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। दरदरा कर लिया था मैंने और किशमिश भी डाल दी है। बिल्कुल भी फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि टेस्ट खराब हो जाएगा और जल जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इनको थोड़ा सा कच्चापन खत्म होने तक रोस्ट कर रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये मिक्सी में पीस के रखा हुआ है ना चूरा, वो डाल देंगे इसमें। और इसको भी हमें हल्का सेकना है, सिक जाना चाहिए ये अच्छे से। अब हमने ये गैस से उतार लिया था, हल्का ठंडा हो गया है, उसमें इलायची डाल दी है और ये हम बूरा भी इसमें मिक्स कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा गर्म में बूरा मिक्स करेंगे तो वो पिघल जाएगी, इसलिए थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको बूरा मिक्स करेंगे। मैंने इसमें 1 कप डाली है, आप चक कर देख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची कूट के डाली है, आप इलायची पाउडर डाल दें 1/2 चम्मच, ऑप्शनल है अगर आपको पसंद है तो। अब हमने इसको आधा आधा कर लिया है। आपने देखा होगा राजस्थान में कि आधा खुला यूज़ करते हैं, तो मैं जो आधा लड्डू बांधने वाली हूँ उसमें मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया है। घी उतना ऐड कीजिए जितने में आसानी से आपके लड्डू बन जाए। इस तरह से गोल करते हुए लड्डू बना लेंगे। आपका नहीं बने थोड़ा सा और घी डाल लीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हैं ना ऐसे मुट्ठी में चारों तरफ करते हुए उसको गोल करते हुए ऐसे बनाते चले जाएं तो आपके लड्डू जो हैं वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब ये आप हाथ से ऐसे दोनों से गोल करते रहिए। अगर आपका लड्डू नहीं बन रहा है तो मैंने पहले भी बताया कि घी आप ज़्यादा डाल दीजिए थोड़ा सा और वो बन जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, ये देखिए छोटे बड़े जैसे आप बनाना चाहें, दोनों हाथ में ऐसे लेते हुए कितना अच्छा लड्डू बना है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चूरमा की जो रेसिपी है मैंने दाल बाटी के साथ ही बनाई थी, लेकिन क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो 2 पार्ट में करना पड़ा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाकर दाल बाटी चूरमा तीनों मिक्स हो जाएंगे ज़रूर देखिएगा। देखिए लड्डू बनाना नहीं आता है तो खुला सर्व कर दीजिए, मैंने आधा खुला रखने के लिए किया, कितना सुंदर लड्डू बन रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।